Hey guys, welcome or welcome back to my channel. तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे. सो कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हमारी पैकिंग वगैरह हो चुकी है एंड अभी मॉर्निंग में सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं उठ चुकी हूँ. मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, बस मुझे कपड़े चेंज करने हैं. अभी मैंने कपड़े इस वजह से नहीं पहने थे क्योंकि बाबू को रेडी करना है, वो सुसु पट्टी कुछ भी कर सकता है कभी भी. सो इस वजह से मैंने कपड़े नहीं पहने. मैं रेडी हो चुकी हूँ, एकदम सिंपल सा चोटी वगैरह कर ली. इस टाइम पर जब से बाबू हुआ है तब से मैं ज़्यादातर बाल बांध के ही रहती हूँ क्योंकि उसको भी दिक्कत होती है खुले बालों में और मुझे भी दिक्कत होती है खुले बालों में. उसको लेने में उसके पे बाल लगते हैं चेहरे पे और उसके फंसते हैं शरीर पे हाथों में, तो इस वजह से मैं ज़्यादातर चोटी ही करके रखती हूँ. सो मैं रेडी हो चुकी हूँ और हमारी 7 बजे की ट्रेन है तो सुबह 6 बजे हम लोगों को निकलना पड़ेगा. तो अभी 1 घंटा है, फटाफट से सारा काम कर लेते हैं एंड मिलते हैं आपसे निकलने के बाद. बने रहिए मेरे व्लॉग में. तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं और ये है सुबह सुबह का नज़ारा. ये है हमारे लखनऊ का मरीन ड्राइव और सुबह सुबह का मतलब इतना अच्छा मौसम रहता है कि क्या ही बताएं. सुबह सुबह से डेली निकलने को मिले तब तो मज़ा ही आ जाए और आज तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था कि हम लोग घूमने जा रहे हैं. और ये हमारे सुबह सनराइज़ देख सकते हैं, कितना अच्छा व्यू आ रहा है, मतलब क्या ही बोले. तो चलिए फिर चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको पूरी जर्नी अपनी. मुझे जहाँ तक कि पता है ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बाबू की वजह से, जब से बाबू हुआ है मैं ज़्यादा व्लॉगिंग वगैरह कर नहीं पा रही हूँ सही से. तो अभी हम पहुँच जाते हैं वहाँ, फिर मिलते हैं. कहाँ चल रहे? प्रयागराज. तो हम लोग निकल चुके हैं प्रयागराज के लिए. मुझे प्रयागराज में बहुत बड़ी गई हूँ इलाहाबाद, लेकिन एक्साइटमेंट इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि मैं 1 साल 1.5 साल के बाद जा रही हूँ कहीं. तो आई देर मेरा बाबू सो रहा है. तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अपनी ट्रेन में और इस बारी अचानक से हमारा प्लान था, मतलब कि हमारा प्लान तो था जाने का लेकिन कब निकलना था ये हमें कंफर्म नहीं था. तो हमें अचानक से मतलब एक दिन पहले हमारा प्लान बना कि कल चलते हैं, यानी कि सैटरडे चलते हैं और संडे वहाँ रह के ये फलाना ढिमका ये सारी चीज़ें थी, तो जिसकी वजह से टिकट हमारी कन्फर्म नहीं हो पाई थी. तो हमें ऐसे ही जाना पड़ रहा था, लेकिन उधर से हमने पहले ही बुक कर दी थी कि हमने हमारी एसी की टिकट हमने पहले ही बुक कर दी थी. इधर से भी हम चेक कर रहे थे बट तुरंत में मिल नहीं रही थी टिकट, इस वजह से हमें स्लीपर में ही ऐसे जाना पड़ा. बट कोई नहीं, हर चीज़ का अपना अलग ही आनंद है, हर चीज़ें फेस करनी चाहिए. और ये हमारा बाबू, मतलब बाबू भी हमारा ज़्यादा परेशान नहीं किया. सुबह हम लोग ट्रेन में बैठे हैं तब सोया है और जब हम लोग वहाँ पहुँच गए थे तब उठा था. तो अभी हम लोग बस थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं और मैं पति देव जी से बातें करते करते जा रही थी कब पहुँचेंगे, इतना टाइम हो गया. जब लास्ट का टाइम होता है तब और ज़्यादा मतलब उलझन होती है कि कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे. बस मेरे साथ भी वही सीन था, मैं इनसे बार बार पूछ रही थी कब पहुँचेंगे, अब कितना दूर है, अब कितना दूर है. मेरे पति देव जी, अभी 2 घंटा लगेगा, जबकि लगना 10 मिनट है, तभी बोले थे 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा. सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे और ये हम लोग इधर हैं गंगा जी के किनारे और वहाँ भी चल के आपको गंगा जी के दर्शन कराएंगे. और इस टाइम पे गंगा जी का पानी एकदम सूखा हुआ है, मतलब पूरी भरी हुई नहीं है. एक टाइम ऐसा भी आता है कि जो प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी हैं संगम के पास, उनको नहलाने के लिए आती हैं, सोचो वहाँ तक की पानी जाता है गंगा जी का. और एक ये टाइम है कि अभी गंगा जी सूखी हुई हैं. तो चलिए सफ़र का आनंद लेते हैं और मिलते हैं आगे. सो हम लोग प्रयागराज जंक्शन पहुंच चुके हैं, लेकिन 2 स्टेशन है, एक प्रयागराज है और एक प्रयागराज संगम है. तो हमें संगम पे उतरना है जो कि यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है, लेकिन अब ज़्यादा खलेगा नहीं टाइम. तो ये है प्रयागराज जंक्शन और अभी हमें जाना है प्रयागराज संगम. तो ये जंक्शन पे हैं हम लोग,
अब मिलते हैं सीधा घर पहुंचने के बाद से। यहाँ पे आज छत पर बन रहा है खाना और पति देव जी बना रहे, और ये हमारे बहुत जोरदार आ रहे हैं, ये हमारे छोटे नवाब छोटी और खड़ी इलायची। अबे पूछो मजा आएगा तभी खाने में, जाओ छोटी इलायची बड़ी इलायची या काली मिर्च? काली मिर्च होगी, इलायची नहीं बड़ी। हाँ लॉन्ग है ना, लॉन्ग भी है, दौड़ के जा, है यार, है यार, आगे तो लॉन्ग खाता रहता है, जाओ भाई जाओ, तुम्हें दौड़ सकते हो। तो हम लोग आए हुए हैं इलाहाबाद, और मैं शाम को पहुंचने के बाद से शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं थक गई थी इसलिए शूट नहीं कर पाई थी। तो मैं आई हुई इलाहाबाद अपने देवर जी के पास, मौसी के पास, दोनों देवर के पास, और ये हमारे आए हैं अपने चाचू के पास, और ये बना रहे हैं स्नैप। हाँ मैंने ये चीज़ नोटिस किया, वो वाले आईफोन को ऑन करके देखी और ये वाले आईफोन को ऑन करके रात में। अरे तो सो ये था हमारा आज का ब्लॉग, अब पहुँच गया, बट ज़्यादा शूट नहीं कर पाई मैं क्योंकि बाबू है, आप लोग भी जानते हो बाबू की वजह से ज़्यादा शूट नहीं कर पाते, और एक तो वो अब किसी के पास जाता नहीं है, मेरी गोदी में रहता है, और इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई, बट फिर भी जो भी शूट कर पाई वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड मैं पहुँच चुकी हूँ अभी प्रयागराज, और आगे अभी हम लोग जाएंगे संगम घूमने, सारी चीज़ें दिखाएंगे। सो बने रहिएगा व्लॉग में, ज़्यादा व्लॉग में, और आगे अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय।